28 नवंबर की रात को अलग अलग चैनल्स पर दो बड़े शोज ने दस्तक दी है, जिनमें एक है कलर्स टीवी का शो धर्म पत्नी, तो दूसरा शो है जी टीवी का नया शो रब से है दुआ। ये दोनों ही वो टीवी शोज है जिन्हें लेकर लंबे वक्त से तगड़ा बस था। लेकिन भाई, अगर आपने इन शो का पहला एपिसोड मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि क्रेजी फूड टीवी आपके लिए एक क्विक ऑनेस्ट रिव्यू लेकर आया है शो के पहले एपिसोड पर। ऐसे में आपको भी बताते हैं कि किस शो को कैसा रिस्पांस मिला है। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों शोज के फर्स्ट एपिसोड की। सबसे पहले बात करते हैं कलर्स टीवी के शो धर्म पत्नी की। मलिका कपूर के प्रोडक्शन में बने इस नए शो की शुरुआत गुजरात की रहने वाली प्रतीक्षा से होती है, जो बेहद प्यारी है, दयालु है और दूसरों और अपने परिवार के लिए पहले सोचती है। प्रतीक्षा एक स्कूल टीचर है जिसकी जल्द ही शादी होने वाली है। वो शादी के बाद भी अपने स्कूल के बच्चों को पढ़ाना चाहती है। हालांकि उसके ससुराल वाले थोड़े लालची किस्म के इंसान हैं, जो शादी की डेट नजदीक आते आते अलग अलग चीजों की डिमांड कर रहे हैं। एक तरफ जहां घर वाले शादी की तैयारियों में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ प्रतीक्षा के माता पिता एक मॉल में गुंडों के बीच में फंस जाते हैं। अब कैसे प्रतीक्षा अपने परिवार को बचाएगी, ये आप आने वाले एपिसोड में देखेंगे। और इसी के साथ फहमान की दमदार एंट्री भी। विल शो का पहला प्रोमो प्रतीक्षा यानी कि कृतिका यादव के ही इर्द गिर्द घूमता नजर आया। कृतिका ने अपने किरदार प्रतीक्षा को बेहतरीन तरीके से निभाया है और उनका किरदार काफी इम्प्रेसिव ही है। शो की शुरुआत भले ही आपको धीमी जरूर लगेगी, लेकिन शो में गुजरात का जो पारंपरिक फील डाला गया है वो बेहद लाजवाब है। कॉस्ट्यूम से लेकर गानों और किरदारों का गुजराती अंदाज में बोलना वाकई दिल को छू लेता है। वही फहमान की कमी पहले एपिसोड में भरपूर नजर आई, जो फैंस को भी काफी खली। हालांकि शो के सेकंड एपिसोड में फहमान की दमदार एंट्री उस वक्त होगी जब प्रतीक्षा गुंडों के कब्जे में होगी। पर लोगों ने भी शो के पहले एपिसोड को देख फहमान की एंट्री पर ही ज्यादा रिएक्ट किया है। देखिए जरा लोगों के ट्वीट्स को। लव दिस प्रोमो, आई कांट वेट फॉर रवि रंधावाज एंट्री, फुल ऑन धमाकेदार। द सिंग कृतिका इंप्रेस इन द फर्स्ट एपिसोड, लेट दिस स्टोरी बिगिन। कृतिका गर्ल, यू आर लुकिंग प्रिटी एंड द डांस एज वेल। ये तो भाई रवि रंधावा प्लस ASR हो गया। फ्रॉम ड्रेस अप टू सेविंग अ गर्ल टू हिज सिग्नेचर केक, इट्स ऑलमोस्ट लाइक ASR 2.0। द फर्स्ट एपिसोड वॉज नाइस, इंट्रो टू द फीमेल लीड प्रतीक्षा एंड हर फैमिली, कृतिका लुकिंग प्रिटी, सो गुड टू सी, हेलो, हाय बाय बाय चाची हेयर, द सेट्स आर ग्रैंड, टोटली एकता कपूर स्टाइल, द मेल लीड हैजंट एंटर्ड जर्ट। वही अब बात करें जी के शो रब से है दुआ की, तो आप पहले एपिसोड में शुरुआत से लेकर अंत तक बस इस शो से बंध ही रहेंगे। शो की शुरुआत होती है दुआ से, जिसे गुंडे लोगों ने किडनैप कर लिया है और वो बार बार हैदर से बात करने को कहते हैं। वही दुआ फ्लैशबैक में जाती है और उस दिन को याद करती है जब उसकी शादी की पहली सालगिरह होती है। घर वाले सभी दुआ के सामने नजरअंदाज करते हैं कि किसी को भी दुआ के इस खास दिन के बारे में नहीं पता, खुद हैदर भी, जिसे देख दुआ मायूस हो जाती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि सभी दिखावा कर रहे थे, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वहीं दूसरी तरफ हैदर के पिता की दूसरी शादी से हैदर और उसकी माँ की लाइफ बेहद प्रभावित हुई है। अब हैदर की जिंदगी में दूसरी लड़की यानी कि गजल के आने पर कैसे दुआ की लाइफ बर्बादी की तरफ जाएगी और आखिर क्यों और किसने दुआ को कैद कर रखा हुआ है उस तहखाने में, ये आपको इस शो में आगे देखने को मिलेगा। विल शो का पहला एपिसोड देखा जाए तो काफी कमाल का था। अदिति एस दुआ बेहतरीन दिखी, उनकी नजाकत, परिवार के लिए केयर, अपने पति हैदर के लिए प्यार बेमिसाल था। छोटे छोटे पल ऐसे थे जिससे आपको ये शो पहले एपिसोड में सीधा दिल से कनेक्ट होगा, जैसे नमाज का सीन, बैकग्राउंड म्यूजिक में तेनू तकिया बिनानी दिल रचता जैसे गानों से कहानी को अलग ही फील दे दिया गया है, जिससे आप दुआ के हसीन पलों में खो से जाएंगे। वही करणवीर शर्मा का हैदर के रूप में रफ एंड टफ सा अंदाज भी आपके दिल को छू जाएगा। आप करण की तारीफ किए बिना खुद को रोक नहीं पाएंगे। देखिए जरा इन कमेंट्स को। तेनू देखे बिना जी नहीं भरदा, आई हैड द सेम फीलिंग्स फॉर यू करणवीर शर्मा, इन माई माइंड यू आर लुकिंग सो क्यूट इन वाइट कुर्ता, उफ, वॉचिंग यू ऑन द स्क्रीन ऑलवेज बी एन आई प्लेजेंट मोमेंट फॉर मी, लव टुडे एपिसोड, ऑल द बेस्ट फॉर रब से है दुआ टीम एंड करणवीर शर्मा, लुक अमेजिंग एज हैदर, प्लस नाइस टू बी बैक विद किवांस।
करणवीर शर्मा यू आर अमेजिंग एज हैदर. सम सीन्स लाइक हैदर एंट्री सीन, दुआ एंड हैदर, नमाज सीन एंड स्पेशली विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट द वाजू सीन विद द परफेक्ट बैकग्राउंड म्यूजिक. हैट्स ऑफ टू द टीम ऑफ रब से है दुआ, ट्रू प्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम कल्चर. वेल, कुल मिलाकर देखा जाए तो पहला एपिसोड रब से है दुआ का काफी इम्प्रेसिव था. हालांकि धर्मपत्नी में अभी फहमान और बाकी के किरदारों की एंट्री होना बाकी है और आने वाले दिनों में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इन दोनों टीवी शोज में से कौन सा वो शो है जो टीआरपी में आगे निकलेगा.